मैं लोगों का लास्ट ड्रिंक और लास्ट मील देख सकती हूँ। लास्ट मील ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मॉम मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ मॉम, आपने कॉकरोच खाया है? यस बेटा, मैंने इसे ऑनलाइन फ्राई करना सीखा है, मैं इसे ट्राई करना चाहती थी, क्या तुम टेस्ट करके देखोगी? नहीं मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी। रुको, अपने साथ ले जाओ, तुम लंच में खा लेना। ओके ओके मॉम। मेरे सारे फ्रेंड सारा टाइम वेजिटेबल्स खाते रहते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। जी ये तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, किस टाइप का फूड है? ये देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। फ्राइड कॉकरोचेस। तुम ट्राई करना चाहोगी? ऑफ कोर्स, मैंने ये पहले कभी नहीं खाया, मैंने सुना ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। थैंक यू, तुमने अपना लंच शेयर किया, आमतौर पर तुम किसी को कुछ नहीं खाने के लिए देती। गाइस लेकिन मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है, तुम सारा टाइम वेजिटेबल्स खाते रहते हो। हाँ लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं लोगों का लास्ट मील देख सकती हूँ। अगर ये सच है तो मेरा लास्ट मील बताओ। भिंडी की सब्जी। ओह माय गॉश, तुमने तो बिल्कुल सही बताया। हाँ लेकिन प्लीज तुम किसी को मेरी इस पावर के बारे में बताना मत। मुझे लगता है कल तुम्हारे कॉकरोचेस खाने के बाद सब लोग मर गए हैं। हाँ लेकिन कैसे? क्योंकि वो सब आज कॉलेज में नहीं आए हैं। तुम्हारे वो कॉकरोचेस किसने बनाए थे? मेरी मॉम ने। लेकिन उन्होंने इसमें पॉइजन मिलाया होगा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सर को तुम पर शक है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने तुम्हारे कॉकरोचेस नहीं खाए, इसलिए मैं सेफ हूँ। सर आपने मुझे बुलाया? पाहिल ने मुझे बताया कि तुम लोगों का लास्ट मील देख सकती हो। पर मैंने उससे मना किया था कि किसी को मत बताना। क्या ये सच है? यस सर। मुझे दोपहर 3 बजे स्कूल के वेयर हाउस में मिलना। ओके। ओह गॉड, सर मुझसे 3 बजे वेयर हाउस में क्यों मिलना चाहते हैं? ओके सर। यहाँ पर इतनी बास क्यों आ रही है? तुम इन सबका लास्ट मील देख कर बताओ। हाँ ये तो मेरे दोस्त है जो आज स्कूल नहीं आए थे, ये इतने पेल क्यों लग रहे हैं? जिन लोगों ने तुम्हारे कॉकरोचेस खाए हैं वो सब मर गए हैं, और इनमें से एक प्रेसिडेंट की बेटी भी है। लेकिन सर मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा लंच जहरीला नहीं था। तुम बस मुझे ये देखकर बताओ कि इनका लास्ट मील क्या है। ओके। हाँ सर मुझे लास्ट मील दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हें 3 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम सब कुछ प्रूफ कर दो या फिर तुम्हें पनिश किया जाएगा। प्लीज ये ग्लासेस खरीद लो, ये बहुत सस्ते हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए प्लीज, इन ग्लासेस के अंदर ग्रेट सुपर पावर है, प्लीज इसे ले लो। ग्रेट सुपर पावर? ओके क्या पता इससे मेरी थोड़ी हेल्प ही हो जाए, दे दो। हे अब तो तुम लोगों को लास्ट मील देख सकती हो ना, मुझे जल्दी से बताओ। आई विल ट्राई सर, दिस इज योर लास्ट चांस। लेकिन उससे पहले मैं ये ग्लासेस पहनना चाहती हूँ। फाइन, मुझे जल्दी से उनका लास्ट मील देख कर बताओ। ओह माय गॉड, ये सब तो उसी खाने की वजह से मर गए हैं जो मैंने उन्हें लंच में दिया था। हेलो जल्दी से मुझे आंसर दो। नो सर, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, उनका तो लास्ट मील चिकन सूप था। ओके लेकिन ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ओके सर, इसका मतलब मेरे इसमें कोई गलती नहीं है ना? नहीं लेकिन ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ओके सर। तुम अभी कहाँ से आ रही हो जिया? कहीं से नहीं, मैं तो बस ऐसे कॉलेज में हांड रही थी। तुम्हें हमारे फ्रेंड्स की चिंता नहीं होती? तुम्हें नहीं लगता उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। जिया बेटा तुम कॉलेज से आ गई, चलो साथ में लंच करते हैं, मैंने अभी अभी खाना बनाया है। क्या बनाया आपने लंच में? कॉकरोचेस ऑफ कोर्स। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे खाना चाहिए, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड्स की डेथ के पीछे का कारण जानना भी जरूरी क्या है। क्या हुआ तुम्हें नहीं? मैं इसे जरूर खाऊंगी मॉम। वाओ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना। अभी तो कुछ हुआ क्यों नहीं? मैं अभी आती हूँ सर। मैं तुम्हारे लिए फूड से भरा हुआ बैग लेकर आया हूँ। आप लेकर आए हैं? सर मैं इसे नहीं ले सकती। अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ग्रेड्स कम कर दूंगा। ओके सर। सर मुझे इसे लेने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? ये कितना अजीब है, मुझे पता लगाना होगा कि स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है। जी अब फाइनली तुम मुझे मिल गई, तुम यहाँ हो। हाँ सुरभि तुम जिंदा हो? क्या मैं हेवन में हूँ? मैं अभी भी जिंदा हूँ, और हम सबको तुम्हारी हेल्प चाहिए सर से बचने के लिए। हाँ इसका मतलब तुमने मरने का नाटक किया था? यस, क्योंकि हम प्रिया को बचाना चाहते हैं, हमें लगता है कि उसकी डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो मेरे लंच की वजह से नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट हम तो तुम्हारे घर गए थे और खाना मांगने के लिए, क्योंकि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था। हे कौन है वहाँ पर? ओह माय गॉड, हमें यहाँ से भागना होगा। थैंक गॉड उसने हमें देखा नहीं। हम प्रिया को बचा नहीं सके, अगर उसके पापा को पता चल गया कि उसे पॉइजन दिया गया था तो पता नहीं वो क्या करेगा। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि प्रिया की डेथ पॉइजन की वजह से हुई है ना? यस। तो ये बात तो जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उसका लास्ट मील देखूं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। चलो हाँ मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ? लगता है इसने बहुत अलग अलग चीजें खाई है, और ये सारी चीजें तो पायल और सर की चीज उससे मैच करती है। अच्छा ओके, तब तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। हे जिया, तुम्हें तो कॉलेज में रहना इतना पसंद नहीं था ना, यही क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इतने टाइम से कॉलेज में क्या करती रहती हो। तुम्हारा और सर का क्या रिलेशनशिप है मुझे सब पता है। व्हाट, तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्योंकि तुम दोनों हमेशा एक जैसा ही खाना खाते रहते हो इसलिए। हाँ तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझती थी।
मॉम मुझे बहुत नींद आ रही है। जिया तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी मॉम। ओके तुम जाओ जल्दी से जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा कॉलेज है ना। मॉम आप कल क्या बनाने वाले हो खाने में। नूडल्स। हाँ रियली ओके। मॉम मैं कॉलेज जा रही हूँ बाय। जिया तुम कॉलेज नहीं जा सकती आज, तुम घर पर रहो। हाँ लेकिन क्यों मॉम। क्योंकि मैंने अभी अभी टीवी में अनाउंसमेंट देखी है कि प्रेसिडेंट की बेटी की डेथ हो गई है। ओह गॉड इसका मतलब उन्हें पता चल गया। लेकिन ये सब किसने किया। आई डोंट नो बेटा, लेकिन तुम्हारी दोनों फ्रेंड्स को अरेस्ट कर लिया गया। प्लीज कौन पर शक है कि उन्होंने उसे मारा होगा। यू मीन सुरभि और रिया। मुझे जाना होगा मॉम। सर जितना जल्दी हो सके सब लोग प्रिया का हार्ट ढूंढो। हाँ प्रिया का हार्ट नहीं मिल रहा। यस किसी ने उसे चोरी कर लिया। सर आपने। खबरदार जो तुमने पुलिस को कुछ भी बताया, तुम इसे सीक्रेट बनाकर रखोगी नहीं तो तुम बहुत पछताओगी समझी। पायल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प। हाँ तुमने भी प्रिया का हार्ट खा लिया। मैं इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। मैंने और टीचर ने मिलकर उसे मारा है क्योंकि वो बहुत बिगड़े लड़की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था पायल कि तुम ऐसा करोगी। तुम बिल्कुल बदल गई हो। मैं अभी जाकर पुलिस को सब बता दूंगी। क्या बताओगी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है। हेलो सर। हेलो लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो। सर मुझे पता है कि प्रिया को किसने मारा है। वो मेरे टीचर और पायल है जिसने प्रिया को मार दिया है और उसका हार्ट भी उन्होंने खा लिया है। What? क्या आपके पास कोई सबूत है उनके खिलाफ। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने सब कुछ कबूल किया। ये लीजिए। आई कांट बिलीव, ये तो वही सारे एविडेंस है जिनकी हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग।